हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में। आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स सैटरडे डबल हेडर के बाद हम आ चुके हैं संडे 3 अक्टूबर, गांधी जयंती को टाटा बाय बाय। अब आ गया है संडे। आज भी दो मैचेस हैं, डबल हेडर है। पहला मैच जो है आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स, शारजा यूएई, दोनों ही टीम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच। खासकर बात करोगे पंजाब किंग्स, जो उनके लक्की चार्म है प्रीति जिंटा, ग्राउंड पर आ चुकी हैं और जब से ग्राउंड पर आई है भाई तबाही। हर कोई परफॉर्म करना चाहता है, हर कोई मैच जिताना चाहता है ताकि उनको मिले फ्री हग्स फ्रॉम प्रीति जिंटा। ये चीज़ें हैं। वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखोगे सारे रिकॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे, वेन्यू, हेड टू हेड, प्लेइंग 11, रिसेंट फॉर्म, बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, मैं तो नाम भी नहीं जानता इतने रिकॉर्ड हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। टेलीग्राम पे हो तो तबाही चल रही है, आपको पता ही है, सारे मैच स्क्रीन स्वीप कर रहे हैं। MI वर्सेस DC की बात कर लो या फिर बात कर लो आप RR वर्सेस CSK, गिव अवेज की बरसात हो रही है 11 चैलेंजर्स की तरफ से। कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 3000 रुपये का गिव अवे लाइव है, लिंक से डाउनलोड कर लो। मैच ओपन करना आपको ऊपर ही एक लीग दिखेगी, 3000 रुपये का उसमें जो है विनिंग अमाउंट है। चार टीम के साथ ज्वाइन कर सकते हो, एक भी पैसा आपसे लगेगा नहीं, फ्री में 3000 जीत जाओगे। और क्या पता उन तीन का आप 30 करो और फिर 30 करके आप 30 लाख कर लो, 30 लाख करके आप 30 करोड़ भी कर सकते हो। विल पावर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो आपको कर लेनी है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले ज़रूरी थी बताना, प्लस जो इसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो देख के चले जाता है नटखट, बच्चों चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके बैठ जाओ। ठीक है, IPL में तबाही मच रही है, इसके बाद बिग बैश है, वर्ल्ड कप है, सॉरी पहले वर्ल्ड कप है, फिर वुमेंस बिग बैश साथ में चलेगा, फिर है बिग बैश और फिर से है PSL और फिर से है IPL। वाह भाई वाह। ठीक है, तो RCB वर्सेस पंजाब किंग्स, दोनों के ही जो है स्टैंडिंग्स गले में अटकी हुई है। RCB थ्रू होना चाहेगी एक और मैच जीत के, पंजाब चाहेगी कि हम KKR और MI को नेगोशिएट करके आगे बढ़ें। तो देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा दोनों ही टीम्स को। शारजा के स्टेडियम में ये मैच है। 22 मैचेस हुए हैं शारजा पे, बैटिंग फर्स्ट करते हुए टीम 8 बार जीती है और चेस करते हुए 14 बार। IPL स्पेसिफिक ये रिकॉर्ड्स हैं। ठीक, टीम्स की बात करोगे तो RCB 6 मैचेस खेले हैं शारजा पे, 2 जीती है, 4 हारी है, ऑन एन एवरेज 155 रन बनाती है। और शारजा की डार्लिंग है पंजाब किंग्स, 6 मैचेस खेले हैं, 5 जीती और सिर्फ 1 हारी है, ऑन एन एवरेज 176 रन बनाती है। पंजाब किंग्स को शारजा पसंद है और राहुल तेवतिया को शेल्डन कॉटरल पसंद है। रीसेंट मैचेस देखोगे ना शारजा पे तो इसमें एक मैच ऐड नहीं है, वो एक मैच है RR वर्सेस CSK वाला। लेकिन हमारे पास इनफ एविडेंस है कुछ चीज़ें प्रूव करने के लिए। 30 तारीख या फिर 30th of September की अगर आप बात करोगे SRH वर्सेस CSK वाले मैच में, तो CSK यहाँ 6 विकेट से जीता, क्या चीज़ है, चेस करते हुए। KKR यहाँ 3 विकेट से जीता, चेस करते हुए। पंजाब ने यहाँ 5 रन डिफेंड किए थे। चेन्नई यहाँ से फिर से चेस करते हुए जीता, यहाँ पर सनराइजर्स चेस करते हुए जीता, सनराइजर्स चेस करते हुए जीता। सिर्फ एक बार डिफेंड हुआ है, वो पंजाब कर सकती है। पंजाब की अपन को बात नहीं करनी भाई, स्पेसिफिक बहुत अलग टीम है वो। ठीक है, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन एक ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है इस वेन्यू पे जो है चेज हो जा रहा है, चेज हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन कन्विंसिंगली चेज नहीं हो रहा है। यहाँ देखो, 7 विकेट गंवाने के बाद 130 चेस किए, यहाँ पे 134 बनाने के लिए भी 4 विकेट गंवा दिए, यहाँ पे ज़रूर 10 विकेट से जीती है। 2020 का मैच है जब शारजा का विकेट कुछ और हुआ करता था। ठीक है, लेकिन यहाँ जब भी जीता है तो कन्विंसिंगली नहीं जीते हैं। 2-4 विकेट सेकंड इनिंग में भी गिरे हैं और फर्स्ट इनिंग में भी 6-7 विकेट ऑलमोस्ट गिरे हैं, तो बॉलर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है, यह चीज़ है। RCB वर्सेस पंजाब किंग्स शारजा पे एक बार हो चुका है लास्ट सीज़न, अगर आपको याद हो तो, याद नहीं है तो मैं हूँ ना याद दिलाने के लिए। RCB पहले बैटिंग कर रहा था, फिंच थे जब इनके पास, पड्डिकल थे, विराट कोहली, विराट ने अच्छा परफॉर्म किया था, 48 बनाए थे, नीचे से मॉरिस ने 8 में 25 करके फिनिश किया था, दुबे ने ठीक ठाक किया था, डिविलियर्स फ्लॉप रहे थे, पड्डिकल ने एक छोटी सी इनिंग खेली थी। विकेट्स किसको मिले थे, जब मैक्सवेल पंजाब की तरफ थे। एक ये भी चीज़ देखने में मज़ा आएगी कि पंजाब या मैक्सवेल की वफादारी पंजाब के लिए कितनी है, और स्पेशली जब प्रीति जिंटा मौजूद होगी ग्राउंड में तब देखते हैं मैक्सवेल क्या करते हैं। ठीक है, अभी के लिए 2 विकेट लिए थे शामी ने, 2 लिए थे मुर्गन अश्विन ने, 1 लिया था जॉर्डन ने और 1 था अर्शदीप के नाम। जब पंजाब चेस करने आया तो तबाही, बवंडर, KL राहुल, मयंक अग्रवाल, गेल, सब ने रन मारे, पूरन ने आखिरी बॉल पर छक्का मार के मैच जिता दिया। ये हुआ था लास्ट सीजन इसी वेन्यू पे। प्लेयर्स किसने परफॉर्म किया था वो आपके सामने है। ओवरऑल की बात करोगे कौन अच्छा करता है इस वेन्यू पे, तो गेल जा चुके हैं उनकी बात नहीं करेंगे। मार्करम ने 1 इनिंग खेली, यहाँ पे 27 रन बनाए हैं। ABD को ये ग्राउंड ज़्यादा पसंद नहीं आता है IPL में। PSL में उन्होंने 2 मैचेस खेले, यहाँ 100 रन बना दिए थे। IPL में भी ठीक ठाक करते हैं, 20 रन पर मैच चलता है। ठीक है, हमें 25-30 पॉइंट दे सकते हैं। ये हैं कौन कौन, ABD Villiers कि हमने देखा, मार्करम का सिर्फ एक ही मैच है तो उनको अपन अभी काउंट नहीं कर रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल अच्छा करते हैं इस वेन्यू पे, 34 रन पर मैच के हिसाब से बनाते हैं। विराट कोहली को ये वेन्यू भाता है, 36 रन पर मैच के हिसाब से बनाते हैं। तो 3 RCB की तरफ से वही आपको दिख रहा है, मैक्सी, विराट और ABD जो इस वेन्यू पे अच्छा करते हैं। अगर देखना चाहोगे ना पंजाब की तरफ से
पंजाब के पास बहुत सारे ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने इस वेन्यू पे खेला ही नहीं है। मयंक ने खेला है 4 मैचेस में 162 40 के एवरेज के साथ, ये बंदा तबाही है। दूसरा अगर आपको देखना है तो लोकेश राहुल है, आपके पास 6 मैचेस में 231 रन ये बना चुके हैं 38 के एवरेज के साथ। तो टोटल 5 बैट्समैन के मैंने आपको नाम बताए हैं जो इस वेन्यू पे बवंडर लाते हैं, तबाही करते हैं, वो आपकी टीम में होने चाहिए। मयंक, केएल, फिर विराट, मैक्सी और एबीडी, ये 5 हो गए। छठा अगर आपको मार्करम लेना है एक मैच के बेसिस पे तो आप ले सकते हो। हुडा ने कुछ खास नहीं किया इस वेन्यू पे, पड्डीकल को अपन मिस कर रहे हैं, उन्होंने 4 मैचेस में 125 बनाए हैं 31 के एवरेज के साथ। तो ये 6 टोटल बैट्समैन जो वेन्यू पे अच्छा करते हैं। आगे चल के बॉलर्स देखते हैं, बॉलर्स क्या करते हैं इस वेन्यू पे। 11 विकेट है शामी के नाम, हाईएस्ट विकेट टेकर है दोनों ही टीम से इस वेन्यू पे। 7 विकेट है यूजी के नाम, ऊपर चलोगे ऊपर चलोगे ऊपर चलोगे तो आपको दिखेगा। 5 है हर्षल के पास, 4 है मुर्गन के पास, 3 है जॉर्डन के पास। तो 3 ही नाम अपन को यहाँ से दिख रहे हैं, एक है मोहम्मद शामी, दूसरे हैं युजवेंद्र चहल, तीसरे हैं रवि बिश्नोई। ठीक है, 11, 7 और 5 विकेट, यह है बैट्समैन और बॉलर जो वेन्यू पे अच्छा कर रहे हैं। आगे चल के देखते हैं अब प्लेइंग 11 और स्क्वाड के बारे में। स्क्वाड सभी को पता है, बहुत सारे मैचेस हो गए, तो सीधा प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं बिना वक्त ज़ाया करे। आरसीबी से स्टार्ट करते हैं, मेरी 2 फेवरेट टीम्स खेल रही हैं इस बार। धर्म संकट है कि क्या किसको सपोर्ट करना चाहिए, मैं तो अपनी फैंटेसी टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ, आप किसे सपोर्ट कर रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, आरसीबी की प्लेइंग 11 देखोगे तो देवदत्त पड्डीकल और विराट कोहली ओपन कर रहे हैं और बढ़िया ओपन कर रहे हैं। ठीक है, विराट ने 51-53 के रीसेंट स्कोर्स हैं विराट के पास, लास्ट मैच में थोड़ा 25-26 पे आउट हो गए थे। देवदत्त भी अच्छा कर रहे हैं बैटिंग बॉलिंग दोनों से, बैटिंग बॉलिंग से बैटिंग और फील्डिंग से, लास्ट मैच में 3-4 कैचेस लिए थे। तो यह है देवदत्त के साथ, अच्छा विकेट ले रहे हैं, कैच ले रहे हैं, मतलब वही ना भाई विकेट ले रहे हैं, तो ऐसा आप मान भी सकते हो। तो देवदत्त और विराट कोहली दोनों ही मेरी टीम में हो सकते हैं। एक मैं प्लेयर चूज करूंगा दिल पे पत्थर रख के, मैक्सवेल या फिर एबी डिविलियर्स, दोनों में से किसी एक को प्रेफर करूंगा। मैक्सवेल बैटिंग बॉलिंग, लास्ट मैच में विकेट कोई नहीं मिला था लेकिन लास्ट मैच में भी 50 लगा दी, लगातार 250 मैक्सवेल लगा दे, मतलब हाँ यूनिवर्स में कुछ गड़बड़ चल रही है। एबी डिविलियर्स को उतना चांस मिल नहीं रहा है बिकॉज मैक्सी, विराट और देवदत्त पड्डीकल ऑलरेडी इतना अच्छा कर रहे हैं, प्लस भरत भी अब तो मिक्स में आ चुके हैं और बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये टॉप 5 जो है आरसीबी का बहुत मुश्किल होगा ब्रीच करना, सारे के सारे बंदे फॉर्म में हैं, ये चीज़ है। मेरे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे लिए विराट अभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है मैक्सी और मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है भरत। ठीक है, अभी डिविलियर्स भी चेंज हो सकता है क्योंकि पंजाब के पास ना उतने लेफ्टी नहीं है, बस पूरन को अगर आप हटा दो, हाँ पूरन को हटा दोगे तो फिर लेफ्टी नहीं है, और लेफ्टी नहीं है मतलब मैक्सवेल के विकेट लेने के चांसेस बहुत कम है, यह चीज़ है। तो मैं मैक्सी या फिर डिविलियर्स में से किसी एक को प्रेफर करूंगा, टॉस के बाद मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, शहबाज अहमद हैं, फिर 2 विकेट लिए थे जिन्होंने लास्ट मैच में, वनीदू हसरंगा, चमीरा, टिम डेविड, क्रिश्चियन, यहाँ पे चल रही है जुगलबंदी। क्रिश्चियन को 2 मैचेस लगातार मिले, डेविड को 1 मिला था, हसरंगा को 2 मिले थे, चमीरा को अभी तक 1 भी नहीं मिला है। हो सकता है कि हसरंगा को लाया जाए इस विकेट के अनुसार, यहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, तो हसरंगा अगर आते हैं तो मैं अपनी टीम में पिक ज़रूर करूँगा। फिर हैं जेमिसन जिनको खिलाया नहीं जा रहा है, हर्षल पटेल हैं, मोहम्मद सिराज हैं और हैं युजवेंद्र चहल। तो ये चीज़ें हैं जो आरसीबी की तरफ से खेलने वाली हैं, ये प्लेयर्स हैं एक्चुअली, चीज़ें नहीं हैं। अब हुआ क्या था कि गार्टन को लाए थे जेमिसन की जगह, लेकिन गार्टन के बराबर धुलाई करी थी इवन लुइस ने। तो ये चीज़ें हैं, मैंने गार्टन को बेंच पे रखा है। अगर 16 करोड़ 12 करोड़ किसी प्लेयर पर खर्च कर रहे हो और फिर उसको बेंच पे ही बिठाना है तो फिर मतलब क्या है। तो मुझे लगता है जेमिसन को खिलाना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, फिर भी जेमिसन को खिलाना चाहिए, इस वजह से मैंने आपको जेमिसन को प्लेइंग 11 में दर्शाया है। ठीक है, हर्षल पटेल को लास्ट मैच में फिर से 3 विकेट मिले थे, उससे पहले 4 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, सिराज, युजवेंद्र चहल, सारे बॉलर्स भी फॉर्म में हैं, सारे बैट्समैन भी फॉर्म में हैं, आरसीबी की तरफ से कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, कुछ चेंजेस भी हम एक्सपेक्ट नहीं करें, सिर्फ एक चेंज जो वनीदू हसंगी का को लाना चाहिए डैन क्रिश्चियन की जगह, उसके अलावा। तो आरसीबी की प्लेइंग 11 यहाँ समाप्त होती है, चलते हैं अपन पंजाब किंग्स की तरफ। जिसके थे सबसे बड़ा कि इनके जो गेल सब हैं, गेल साहब हैं, वो चले गए हैं टीम को छोड़ के, बायो बबल छोड़ के। तो मयंक वापस आ गए थे फिट होकर, 40 बनाए, केएल ने 63 की एक इनिंग खेली। फेबियान को लाया गया था गेल की जगह, बॉल इन्होंने डाली लेकिन विकेट कोई नहीं मिला। अच्छा, वन डाउन बहुत इंटरेस्टिंगली आए थे निकोलस पूरन, फिर आए थे एडन मार्करम जिन्होंने कुछ खास नहीं किया दोनों ने ही, फिर फेबियान एलन की तो खैर बैटिंग ही नहीं आई। दीपक हुडा ने कोशिश ज़रूर करी थी लेकिन जिता नहीं पाए। शाहरुख ने शाहरुख की टीम को हरा दिया, ये एक चीज़ हुई थी। अर्शदीप को विकेट मिले थे 3, एलिस को कोई विकेट नहीं मिला था, बिश्नोई को 2 विकेट मिले थे, शामी को 1 विकेट मिला था, ये चीज़ें हुई थी कल पंजाब की तरफ से। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करोगे तो वही मेरे 2 फेवरेट प्लेयर मयंक और राहुल। ठीक है, फिर आएंगे निक्की प्रा को ले सकते हो, मुझे लगता है बड़ा परफॉर्मेंस आने वाला है, लास्ट मैच में 1 छक्का ज़रूर मारा था, प्लस एडन मार्करम। ये टॉप 5 में से 4 मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बॉलिंग से वही 3 जो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, फर्स्ट बॉलिंग में अर्शदीप, सेकंड बॉलिंग में बिश्नोई प्लस शामी। देखो, शामी फर्स्ट बॉलिंग सेकंड बॉलिंग में दोनों में रहेंगे, बस बिश्नोई या अर्शदीप में से टॉसअप रहता है, अगर पहले बॉल डाल रहे तो अर्शदीप,
सेकंड बॉल डालें तो बिश्नोई, अगर पहले बॉल डालें तो अर्शदीप प्लस बिश्नोई प्लस शामी, ये तीनों भी आप लेके जा सकते हो। ये चीज़ें आप पंजाब की तरफ से कर सकते हो। अब पंजाब को परफेक्ट 11 मिल गई है तो मुझे लगता नहीं कि वो कोई चेंजेस करेंगे, है ना। तो पंजाब की प्लेइंग 11 यहाँ समाप्त होती है। चलते हैं अपन हेड टू हेड और बैटल की तरफ। हेड टू हेड मैचेस देखोगे ना टोटल 27 हुए हैं बैंगलोर और पंजाब के बीच। पंजाब इंटरेस्टिंगली और शॉकिंगली जो है आगे है बैंगलोर से। 15 मैच जीत चुकी है पंजाब, सिर्फ 12 जीत पाई है बैंगलोर, और लास्ट 5 में भी पंजाब आगे है। 2020 से बैंगलोर ने पंजाब को हराया नहीं है, 3-2 से पंजाब आगे है। उन मैचेस में हुआ क्या है, थोड़ी सी समरी देखते हैं। इसी सीज़न जो स्टार्टिंग में हुआ था, जहाँ हरप्रीत बुरार का ड्रीम स्पेल था, मैक्सी ए बी विराट को एक साथ लिए गए थे, 3 विकेट बिश्नोई ने धो लिए थे। काइल जेमिसन, जैसा मैंने बोला था कि मैं क्यों रख रहा हूँ गार्डन की जगह, क्योंकि इन्होंने अच्छा किया था, तो 2 विकेट इन्होंने लिए थे, एक लिया था शहबाज ने, राहुल और गेल के रन थे, विराट और हर्षल के इधर से रन थे। दूसरे मैच की तरफ 2020 की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पे रॉयल्स ने 171 बनाए। मॉरिस जब इनकी तरफ से खेलते थे तो ये नहीं, विराट ने रन बनाए थे। मुर्गन और शामी के विकेट थे, केएल और गेल के फिर से रन है, युजवेंद्र चहल का एक विकेट है। 2020 में ही दूसरा मैच देखोगे जहां पंजाब ने पहले बैटिंग करी, 206 बना दिए, केएल राहुल 132, मयंक के 26 थे, युजवेंद्र का एक विकेट, चेस करने आए ए बी और वाशिंगटन, बिश्नोई और मुर्गन के विकेट, ठीक। 2019 का ये मैच है, आरसीबी ने पहले बैटिंग करी, 220 बनाए, ए बी डिविलियर्स और मार्कस टॉइनिस, ये था रविचंद्रन अश्विन, मुर्गन अश्विन को विकेट थे, पूरन और केएल के रन हैं, बाकी बॉलर्स ये दोनों खेल नहीं रहे हैं। पंजाब की तरफ फिर से चले, 173 इन्होंने बनाए थे, गेल के 99 थे, केएल के 18 थे, युजवेंद्र मोइन जब इनकी तरफ से खेलते थे, ए बी डिविलियर्स ने जिता दिया था बेंगलुरु को। अगर आपने ये मैच देखा होगा तो आपको याद होगा, ठीक है, विराट कोहली प्लस ए बी डिविलियर्स, रविचंद्रन अश्विन और शामी को एक एक विकेट था। तो एक नाम आपको बार बार दिखा होगा, केएल राहुल, वो हर मैच में होता है, उसकी बंदा अलग है, वो उसकी बात करनी नहीं है। विराट कोहली आपको दिख रहे होंगे, ए बी डिविलियर्स आपको दिख रहे होंगे, तो ये तीन बैट्समैन इधर से दिख रहे थे, और इधर से युजवेंद्र चहल बार बार विकेट ले रहे हैं, प्लस मोहम्मद शामी। तो 5 प्लेयर्स अपने हेड टू हेड में से शॉर्ट हो जाते हैं लास्ट 5 में से। ओवरऑल समरी में आपको बताता हूँ, 24 मैचेस खेले ए बी डिविलियर्स ने, पंजाब के अगेंस्ट 713 रन बनाए हैं, 30 रन पर मैच के हिसाब से ए बी डिविलियर्स, ठीक है। ग्लेन मैक्सवेल ने पंजाब के अगेंस्ट 3 मैचेस खेले और 12 रन बनाए हैं। ये जब पंजाब से खेलते हैं या फिर पंजाब के अगेंस्ट खेलते हैं तो इनका परफॉर्मेंस सेम हो जाता है। विराट कोहली 26 मैचेस खेले हैं पंजाब के अगेंस्ट, 716 रन इन्होंने बनाए हैं। नीचे चल के देखा, देव पड्डिकल का आपको नाम दिखेगा यहाँ पे, इंटरेस्टिंगली 3 मैचेस खेले उन्होंने पंजाब के अगेंस्ट और सिर्फ 26 रन बना पाए हैं। 8 रन पर मैच के हिसाब से बनाते हैं जब पंजाब के अगेंस्ट खेलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा शॉकिंग है, पड्डिकल और मैक्सवेल दोनों अच्छा नहीं कर रहे हैं, जबकि एबीडी और विराट कोहली दोनों ही बढ़िया कर रहे हैं। ये हो गई आरसीबी की बैटिंग की बात। इधर से देखोगे राहुल को पसंद है बैंगलोर के अगेंस्ट खेलना, 46 रन पर मैच के हिसाब से बनाते हैं। मयंक 15 रन पर मैच के हिसाब से बनाते हैं। ये दो बेस्ट बैट्समैन हैं, इनकी तरफ से कुछ खास नहीं है, ये दोनों ही हैं जो ज़्यादा हेड टू हेड खेले और इनके आपको रिकॉर्ड देखेंगे। पूरन ने 5 खेले हैं आरसीबी के अगेंस्ट और सिर्फ 70 रन बना पाए हैं। बाकी दीपक हुडा हैं, उन्होंने कुछ खास नहीं किया है। गेल हैं जो अच्छा करते थे बैंगलोर के अगेंस्ट, वो चले गए हैं। तो राहुल और मयंक इस तरफ से, इस तरफ से एबीडी और कोहली, टोटल 4 बैट्समैन जो है आपके निकल के आ रहे हैं जो अच्छा कर रहे हैं सारे एस्पेक्ट्स में जो अपन ने मिलाए हैं। बॉलर्स की तरफ चलोगे तो बॉलर्स भी बहुत क्लियर ही आपको दिख जाएंगे। यहाँ से 22 विकेट लिए हैं यूजी चहल ने, 10 लिए हैं मोहम्मद शामी ने, यही हेड टू हेड में अपन ने देखा था जब समरी देख रहे थे, हर मैच में विकेट ले रहे थे। बाकी 6 लिए हैं मुर्गन ने, 5 लिए हैं बिश्नोई ने, इधर से 6 हैं हर्षल पटेल के पास, 8 है डैन क्रिश्चियन के पास। ये ग्रैंड लीग में आपको काम आ सकते हैं, अगर डैन क्रिश्चियन खेल रहे हैं, आरसीबी पहले बॉल डाल रहा है तो डैन क्रिश्चियन को एक टीम में सीवीसी कर देना, ठीक है। तो बॉलर्स भी आपको मिल ही गए हैं जो आपको टीम में लेने हैं। आप कुछ बैटल देख लेते हैं, कौन से बॉलर को बैट्समैन के सामने दिक्कत होती है या फिर कौन से बैट्समैन को किसी बॉलर के सामने दिक्कत होती है। तो ए बी डिविलियर्स को 3 बार आउट कर चुके हैं। आदिल रशीद पंजाब के कैंप में बैठे हैं, लेग स्पिनर साइन किए गए थे, खिला नहीं रहे और लगता भी नहीं है अब कि खिलाएंगे। बाकी शामी 2 बार आउट कर चुके हैं डिविलियर्स को। अब पड्डिकल जो आउट हुए हैं इतनी बार, तो वो किस किस के अगेंस्ट आउट हुए, देखो अर्शदीप ने 1 बार आउट किया है, बाकी हुडा ब्रार मुर्गन और उत्कर्ष ने इनको शैयद मुश्ताक अली में आउट किया, स्मार्ट लिखा है मतलब, ठीक है। तो ये चीज़ है, प्लस बड्डिकल जो है शामी के अगेंस्ट भी आउट हुए होंगे। मैक्सवेल को किसने परेशान किया है, 3 बार शामी ने, 2 बार आदिल रशीद ने, 2 बार जॉर्डन ने, आदिल रशीद ने एक्चुअली 3 बार अगर BBL और T20 इंटरनेशनल भी मिला लो तो। विराट कोहली को 4 बार मोहम्मद शमी परेशान कर चुके हैं, 5 बार आदिल रशीद। अच्छा, आदिल रशीद का बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है, फेबियन एलन की जगह क्या ला सकते हैं, देखने वाली बात रहेगी।
वही है, क्योंकि फेबियन एलन ना उतना अच्छा बॉल डाल नहीं रहे और बैटिंग बहुत नीचे कर रहे हैं, तो मतलब नहीं है। आप आदिल रशीद ले आओ जिनका एबी डिविलियर्स के सामने रिकॉर्ड अच्छा है, विराट कोहली के सामने रिकॉर्ड अच्छा है, मैक्सवेल के सामने रिकॉर्ड अच्छा है, इन तीनों में से अगर दो को भी आउट कर देते हैं तो पंजाब के जीतने के रास्ते इजीली खोल सकते हैं। तो इधर से दो नाम आपको देखे, एक शामी का था, दूसरा था जो खेल नहीं रहे हैं आदिल रशीद, वो दोनों जो है पूरी आरसीबी की बैटिंग को परेशान करते हैं। आगे चलो पंजाब की तरफ से देखते हैं कि कौन परेशान होता है। ठीक, तो पंजाब की तरफ से देखो अपन स्टार्ट करते हैं केएल राहुल से। ये रहे केएल राहुल, तीन बार जैम्पा जो खेल नहीं रहे, दो बार मैक्सवेल को आउट हो चुके हैं, ये थोड़ा शॉकिंग था, दुश्मन चमीरा को एक बार, दो बार जैम्पा जो खेल नहीं रहे, एक बार चहल, तीन बार मैक्सवेल को, तीन बार मैक्सवेल को आउट हो गए। केएल राहुल ये कब हुआ? तो ये हुआ है, पर हुआ है देखो केएल राहुल मैक्सवेल के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। मयंक अग्रवाल तीन बार चहल इनको आउट कर चुके हैं, ये हैं दो के, एक मैक्सवेल हो गए एक चहल हो गए। ऊपर से आप देखोगे तो एडन मार्करम का किसी के साथ रिकॉर्ड नहीं है, निकोलस पूरन का देख लेते हैं अपन। निकोलस पूरन वन डाउन बैटिंग आए थे, दो बार सैनी, दो बार चमीरा, दो बार जैम्पा, एक बार जेमिसन। अच्छा पूरन रन बना सकते हैं इस मैच में, बहुत क्लियर चॉइस मुझे लग रही है, पूरन इस मैच में रन बना सकते हैं। जीएल में सीबीसी जरूर ट्राई करना। केएल और मयंक को परेशान किया है मैक्सवेल और चहल ने, स्पिनर आप ले लेना उधर से, चहल को ले लेना यार, और मैक्सवेल को भी ले ही लेना, डिविलियर्स की जगह बॉलिंग कर दे और कुछ कांड कर दे तो फालतू में स्मॉल लीग में अपन को हरा जाएंगे। अच्छा मार्करम का भी एक है, एक बार चहल आउट कर चुके हैं ओडीआई में, ये चीज़ हुई हुई है। ठीक है, तो चहल ऑल इन ऑल दिख रहे हैं आपको, चहल अच्छे पूरे स्पिनर ही दिख रहे हैं आपको पंजाब के अगेंस्ट, जैम्पा दिख रहे हैं या तो हसरंगा दिख रहे हैं या तो चहल दिख रहे हैं, सारे स्पिनर्स नहीं है जो है पंजाब के बैट्समैन को परेशान करके रखा है, ये चीज़ है। ड्रीम इलेवन टीम की तरफ चलते हैं, सारे सिनेरियो रिकॉर्ड्स वगैरह अपने देख लिए हैं, ड्रीम इलेवन टीम कैसी बन रही है वो देखते हैं। विराट, मयंक, मार्करम, पड्डीकल प्लस केएल राहुल, ये लिया है मैंने। ठीक है, बैटिंग ऑर्डर से देखो विराट कोहली लिया है, देवदत्त पड्डीकल लिया है, ग्लेन मैक्सवेल लिया है, ये तीन, यहाँ से राहुल, मयंक और मार्करम, ये तीन। तो इधर मुझे कोई दिक्कत लग रही नहीं है, यहाँ से देखो अर्शदीप लिया है, बिश्नोई लिया है, चहल ले लिया है, चहल को मुझे लेना ही था, मैक्सवेल लेना था, प्लस शहबाज स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं तो मैंने एक शहबाज भी रख लिया है फास्ट बॉलर की जगह। अब एक चीज़ मुझे करनी थी वो ये थी कि मुझे अर्शदीप या फिर एलिस, दोनों में से भी किसी की भी जगह भी मुझे शामी लेना था। शामी फर्स्ट बॉल डालेंगे तो मैं लूँगा, फिर चाहे मुझे कोई भी ड्रॉप करना पड़ जाए, चाहे मुझे चहल ड्रॉप करने पड़ जाए, ये चीज़ें शामी को लेना बनता है ना। तो एलिस को मैंने ज़बरदस्ती रखा है, यहाँ पे मुझे शामी लेना था, अर्शदीप को मैंने रखा है, बिश्नोई को मैंने रखा है। बॉलिंग ऑलराउंडर सेक्शन बैटिंग पूरा सॉर्टेड है, बढ़िया मैच है मुझे लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, बस कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी अपन को थोड़ी सी रिस्क लेनी है। राहुल और कोहली के साथ मैं गया हूँ, मैक्सवेल का बॉलिंग का रिकॉर्ड अच्छा है राहुल के अगेंस्ट, तो या तो आप ऐसा कर लो कि कैप्टन राहुल को बना दो, वाइस कैप्टन मैक्सवेल को बना दो, या तो ये रन बना देंगे या तो ये जो है इनका विकेट ले लेंगे, ये चीज़ कर सकते हो। अगर थोड़ा और रिस्क ले सकते हो तो कोहली और राहुल के साथ ही जाना, मुझे लगता है ये दोनों बेस्ट रहने वाले हैं इस मैच के लिए। ठीक है, ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हैं, देवदत्त पड्डीकल है, मयंक अग्रवाल है, और मार्करम भी हैं ही, अर्शदीप पहले बॉल डाले तो अर्शदीप और शामी हैं। अर्शदीप सिंह ने पहले बॉलिंग में दो बार डाली है इस आईपीएल सीजन, एक बार 5 विकेट लिए, एक बार 3 विकेट, तो ये चीज़ है, अच्छी वाइस कैप्टनसी चॉइस हो सकते हैं। बाकी ग्रैंड लीग में क्या करना है उसके लिए 20 टीम्स के साथ मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ, तब तक के लिए आप वेट करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। 20 ग्रैंड लीग टीम वाला वीडियो आपको आ जाएगा, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन इसमें भी लिंक डाल दूंगा उस वीडियो की, तो ट्यून्ड इन, स्टे ट्यून्ड, मिलता हूं आपसे बहुत जल्द उस वीडियो के साथ। प्लस टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, फाइनल टीम्स का मज़ा उठाओ, फ्री में सब कुछ मिल रहा है, प्राइम टीम्स जो है आपको फ्री में मिल रही है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द गुड लक,